तो नमस्कार, तो आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मारवाड़ी ब्लॉग पे। और आज हम आए हैं अपने गांव के एक मंदिर में, और जो सामने आप देख रहे हैं ये है पीपल का पेड़। अपने सनातन धर्म में हर एक वस्तु, हर एक चीज़ की एक अलग ही पहचान है। तो हम आए थे अपनी मम्मी के साथ में, मम्मी जी के साथ में आए थे। मम्मी जी अब यहाँ पे क्या पता कुछ तो डाल रहे हैं, तो चलो मम्मी जी से पूछते हैं क्या कर रहे हैं। मम्मी जी क्या कर रहे हैं आप? क्या को खाना डाल रहे हैं? क्या ये सीटियों के लिए खाना है? हाँ। दिखाओ सीटियों का, सीटियों का खाना दिखाओ कैसा है। ये देखो बहुत ही अच्छा है, बाजरे का आटा और नारियल घी शक्कर। ये सब किधर मिलता है? कि क्या आपने घर पे बनाया है? हाँ मैंने घर में ही बनाया। ये कैसे बनाया? बजरी का आटा, गेहूँ का। ये देख लो अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म की खूबसूरती। जहाँ आज के समय में लोगों के खुद के भी मतलब खाने का पूरा, फैमिली का पूरा नहीं कर पाते हैं, ये टाइम में अपने हिंदू धर्म के अंदर सीटियों, गायों, कुत्तों वुत्तों सबका पेट भरा रहता है। और ये गाँव की भी खूबसूरती है। तो अभी हम मम्मी जी को पूछते हैं कि ये सीटियों का खाना कैसे बनता है। बताओ मम्मी जी सीटियों का खाना कैसे बनता है? ये बाजरे का बाजरा लाना, बड़ा बड़ा पीसना सूजी जैसा। हाँ। फिर शक्कर और इसमें नारियल घी बूरा डालने का। मतलब बाजरी, शक्कर, घी, बाजरी को पीसना सूजी जैसा बड़ा बड़ा। बाजरी को पहले चक्की में डाल के पीसा जाता है थोड़ा बड़ा बड़ा। उसके अंदर घी और शक्कर, नारियल, मतलब खोपरे का नारियल, जो पानी वाला नारियल आता है वो नहीं, सूखा नारियल, जो मिक्सर में पीस के डालते। मतलब कौन सा भी नारियल हो, नारियल सूखा नारियल चाहिए। मिक्सर में पीस कर और सब मिक्स करके खेतियों को चैत्र वैसाख महीने में जरूर जरूर ये काम करना। मतलब आपके कहने का मतलब ये चैत्र और वैसाख महीने में ज़्यादा दिया जाता है? हाँ बहुत ज़्यादा दिया जाता है। बाकी मैं तो आपको हमेशा देखता हूँ, हमेशा लेके आते हो आप इधर। अभी तो देखो मैं आपको तालाब दिखाता हूँ। अभी तालाब बहुत खाली पड़ा है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो पूरा तालाब भरा हुआ रहता है। तभी भी मम्मी जी के साथ आता हूँ ना, तो अंदर मछलियों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आती ही है मम्मी जी। और ये रहे आपके अपने अमित भाई, जिनका ये यूट्यूब चैनल है। राम राम। भाई को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अमित भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रुको रुको मम्मी जी कुछ कह रहे हैं, बोलो। सबसे बड़ा हमारे हिंदी में सबसे बड़ा धर्म मछलियों को आटे की गोलियां व रोटी चावल डालने का, खिचड़ी वगैरह। और छिटियों को ये श्रावण और वैसाख, सावन क्षेत्र वैसाख महीने में बहुत बहुत जरूर जरूर ये काम करना। और पक्षियों को, गाय कुत्ता तो इधर उधर से पेट भर देते, पक्षियों को और मछलियों को और छिटियों को कौन डालते? मतलब मम्मी जी के कहने का मतलब है कुत्ते हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं, कुत्ते गाय वगैरह, वो तो इधर उधर से पानी भी पी लेते हैं, खाना भी उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन सीटियों को, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, उनको मतलब बहुत खाने के मामले में बहुत दिक्कत आती है उनको। तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। और अभी गर्मी का टाइम है तो अपने छतों पर पानी का कुछ भरा हुआ रखें। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।